प्रत्यक्षादि प्रमाण में जो अनुभूत भेद है, द्वैत है, वह आगम से बाधित हो जाता है, वह आगम प्रमाण से बाधित है। दृष्टांत वह जैसे कि चंद्र है, चंद्रमा यहां से तो थाली के बराबर दिखाई देता है, प्रादेश मात्र है प्रत्यक्ष अनुभव, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने बताया कि उसके अनुसार तो कई हजार गुना पड़ा है। तो आगम शास्त्र से प्रत्यक्ष को आप मानते हैं कि ये हमें छोटा जो दिख रहा है दूरत्व दोष की वजह से है, वास्तव में वो बड़ा है। तद्वत जितने भी भेद अनुभव हो रहा है हमें, वो विशेषण मात्र का हिस्सा है, विशेषांश का नहीं। तो हम पदार्थ का विशेषण और तत्पदार्थ का जो विशेषण है उसके उसमें विद्यमान भेद को ही हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। तत्पदार्थ सर्वज्ञता एक विशेषण है, त्वम पदार्थ में अल्पज्ञता एक विशेषण है, ये परस्पर विरुद्ध है और अत्यंत भिन्न है। ये विशेषांश में इन विशेषांश तो वही है, उसमें कोई भेद विशेषांश विशेषांश हमारा प्रत्यक्ष अनुभव विषय बनता है, विशेषांश को हम ग्रहण ही नहीं कर पा रहे। उसे दृष्टांत दे रहे हैं, था पाक रक्ते घटे रक्तो यम न श्याम ही दिवत स विशेषण ही न्याय न जीव पर भेद ग्रह प्रत्यक्ष से विशेषणी वो धर्म भेद विषयत्वाचा घट घट विशेष वही है, उसे कोई अंतर नहीं है। लेकिन पहले वह श्याम घट था, जब पका वह रक्त घट हो गया। पाक रक्ते, पाक के द्वारा रक्त भाव हुआ वही घट में जो पहले श्याम घट था। अब हम क्या बोलेंगे उसमें, रक्तो अयम न श्याम जी आप रक्तो अयम न श्याम। इसी प्रकार आप यहां पर हमको कह रहे हैं, जीव को भी कह देते हैं आप अल्पज्ञो अयम न सर्वज्ञ। जब जीव भाव में आ गया, अंतकरण उपाधि वाला हो गया, तब आप क्या कहने लगे, ये अल्पज्ञ है सर्वज्ञ नहीं है। था क्या ये सर्वज्ञ, अब भी है सर्वज्ञ ही, बाद में भी रहेगा सर्वज्ञ ही, लेकिन जैसा घट में पहले शाम था मिट्टी का रंग भी जब पकने से लाल सा हो गया, लेकिन तब भी उस असली रंग क्या होगा, मिट्टी का काला ही होगा। अब फोड़ फाड़ के मिट्टी में मिल गया तो फिर काला ही रहेगा। एक विशेषण में भेद हुआ, घट तो वही है, विशेषण पहले श्याम था अब रक्त हो गया। इसी बार चैतन्य मायोपाधि वाला जब तक था तब तक वो सर्वज्ञ था, अविद्योपाधि वाला हो गया या अंतकरणोपाधि वाला हो गया तो अल्पज्ञ हो गया। था तो वही चैतन्य अभी भी है, तो विशेषण में परिवर्तन है और उस विशेषण में जो परिवर्तन के कारण से अनुभव भी हमें भेद का हो रहा है, ईश्वर जीव में भेद का अनुभव होने लग गया। एतर्ष जो भेद अनुभव होता है, जब विशेषांश में भेद का बाद यदि कर दी जाए, जैसे श्याम घट और रक्त घट, घट भिन्न नहीं है, विशेषांश में भेद का बाद जब हो गया तब निर्णय क्या हुआ, यह भेद केवल विशेषांश मात्र में है, इसलिए कि न्याय है वो सविशेषण न्याय। सविशेषण न्याय क्या है, सविशेषण ही विधि निषेध हो विशेषण उपसंक्रामत सती विशेष बाध है, ये न्याय है। इस न्याय ने संकेत कर दिया इतना ही, सविशेषण ही इति न्याय न, बस संक्षेप में बोल दिया हमने, सविशेषण ही इति न्याय न। छट्टिका में दिया होगा आप लोगों का पूरा नहीं दिया, सविशेषण ही विधि निषेध विशेषण उपसंक्रामत सती विशेष बाध है, ये संपूर्ण न्याय का स्वरूप है। नहीं दिया तो लिख लीजिए, सविशेषण ही इतना तो पुस्तक में दिया ही है, मूल में छपा है, उसका आगे है विधि निषेध विधि निषेध विशेषण उपसंक्रामत विशेषण उपसंक्रामत सती विशेष्य
बाधे सविशेषणे ही विधि निषेधौ विशेषणम उपसंक्रामतः सति विशेष्ये बाधे। कोई भी विधि है और अथवा निषेध है, यदि सविशेषण पदार्थ में कर अर्थात क्या विशिष्ट पदार्थ में किया गया विधि या विशिष्ट पदार्थ से संबद्ध जो निषेध, वह विधि और निषेध विशेषणांश मात्र में लागू हो जाता है यदि विशेष्यांश में उसका बाध हो जाए तो सती विशेष्य बाध है। वह विधि या वह निषेध विशेषांश में लागू हम नहीं कर पाते हैं, वहां बाध हो रहा है, चाहे अनुमान से बाध हो, उपमान से बाध हो, आगम से बाध हो, किसी न किसी तरीके से बाधित हो गया, विशेषांश में घट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे उस विधि और निषेध को, तब विशेषणांश में मात्र ग्रहण करेंगे, उसको कहते हैं सविशेषण न्याय। सविशेषण विहित जो विधि और निषेध, सविशेषण ही विधि निषेधौ, ये क्या होंगे विशेषणम उपसंक्रामतः, विशेषण मात्र में उनका लागू किया जाएगा, कब सति विशेष्य बाधे, विशेषांश में उसका बाध महसूस होता है तो, यथा दृष्टांत ही इनका रक्तोयम नश्यामः कह दिया, शिखी ध्वस्तः कह दिया, शिखी ध्वस्तः किसने दंडी जातः, ये सब ऐसे ही है, आदमी तो वही है ना, आदमी तो वही है, आदमी दंडी अभी हुआ क्या, आदमी कभी हो जाता कुछ, आदमी तो वही रहता है, दंड रूप विशेषण का विधि है, दंड अपने धारण किया, दंड धारण का विधि होता है, आदमी को दंडी नहीं बनाया जा सकता, दंड धारण किया विधि अनुसार है ना, तो उसको दंडी कह दिया गया, व्यक्ति पुरुष तो वही है। अतः जब विधि कहां लागू हुआ दंड का, विशेषण मात्र में, विशेष रूप तो पुरुष में नहीं, जैसे शिखी ध्वस्त, शिखी जो है ध्वस्त हो गया, यहां भी वही है, शिखा ध्वस्त हुआ तो हमने कह दिया शिखी ध्वस्त हो गया, शिखा काट दी गई तो कह दिया शिखावान पुरुष जो वही ध्वस्त हो गया, जब विशेष देख रहा हूं तो ध्वस्त नहीं हो तो खड़ा है, तो हम क्या करेंगे उसको, उसको जो विशिष्ट में विहित था ध्वस्त था उसको विशेषण शिखा मात्र में अन्वय कर देता, तो उसी को यहां पर कहते हैं सविशेषणे, अर्थात विशिष्ट पदार्थ में जो विहित विधि और निषेध विशेषण मात्र में लागू हो जाता है, यथा दृष्टांत ये सब आ गया, शिखी ध्वस्त दंडी जाता रक्तो वयम न श्यामः इत्यादि दृष्टांत, रक्त आप जो बोल रहे हैं घट को बोल रहे हैं ना, इन घट वही है, वो तो बिदला ने बदला नहीं है, इसे हमें क्या करना पड़ा, यहां निषेध को कहां अन्वय करूंगा मैं विशेषणांश में, श्याम विशिष्ट घट रक्त विशिष्ट घटो अयम न श्याम विशिष्ट घट, ऐसा जब हम कह रहे हैं रक्तत्व का विधि हुआ श्यामत्व का निषेध हुआ जो घट में, वह घट में नहीं हुआ है, वह विशेषण मात्र में हुआ है, तत्व यहां पर भी तत्व और त्वम की जहां बात मैं एक्यता की बात कह रहा हूं, क्यों एक्यता का विचार चल रहा है, तो पदार्थ विचार हो गया, एक्यता का जो विचार चल रहा है एक्यता कैसे होगा ऐसे पूछा उसने, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, यहां पर भी क्या हो रहा है कि त्वम पदार्थ तत्व पदार्थ के विशेषांश में किसी भी प्रकार का विधि निषेध लागू नहीं हो पाता है, तो जितना भी विधि निषेध होंगे हम उस तत्व और त्वम का विशेषण मात्र में लागू कर देंगे, अतएव विशिष्ट का में कथित जो विधि और निषेध जो विशेषण मात्र में रह गया तो विशेष क्या हुआ एक हो गया, विशेषों विशेषांश में ऐक्यता की सिद्धि हो जाती है, इतना ही नहीं आगम से प्रत्यक्ष बाहित हो गया, ठीक है तो प्रत्यक्ष था, ये कह नाम ईश्वर, किसी से भी पूछो क्या बोलेगा वो नाम ईश्वर, ये तो शुरू किया था, एक बार बहुत बड़ा कोई दक्षिण का द्वैत संप्रदाय पंडित है बनारस, बड़ा तहलका मचा दिया उसने, सब पंडितों को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ, सारे पंडित परेशान, अब अद्वैत एकदम धज्जिया उड़ा दी उसने, तब सभी मिल गए पंडितों मिल के महात्मा के पास गए, बड़े विद्वान महात्मा समझदार, ने कहा कि ये महात्मा ही कुछ कर सकता है, नहीं तो ये तो हम लोग तो तर्क वितर्क से तो फेल हो गए,
इसने सारे अपने ऐसे तर्क दे दिया, हमारा अद्वैत को तो उड़ा दिया इसने। वो महात्मा को पकड़े तो महात्मा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं, बाबा की कृपा हो जाए विश्वनाथ की, जीत जाएंगे, अद्वैत की पताका लहरेगा दोबारा, बुलाओ। तय हुआ तारीख, तय हुआ टाइम, तय हो गया कि अमुक तारीख अमुक टाइम पे दशाश्वमेध घाट पे शास्त्र सभा बुलाए। तो वहां गए तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, महात्मा ने अपने आश्रम में जो आता था भंगी ने सफाई करने, उसको बुलाया, देखो ऐसा ऐसा है, तुम घबराना नहीं, जितना मैं कहूँगा उतना तेरे करना, जो आदेश देंगे प्रभु आप वैसे कर देंगे, मैं तुमको ब्राह्मण का वेश बना देता हूँ, पंडित बना दूंगा, फर्स्ट क्लास ड्रेस बना दूंगा, बोलना कुछ तुम्हें चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है? तुमने कहा ठीक है। फिर आगे क्या होगा, बस आगे जो होगा तुमको बोलना नहीं, बस इतना तुम्हें शर्त है। उसको पूरा ब्राह्मण का ड्रेस बना दिया, खाना पुन होकर के पगड़ी तगड़ी लगा, घूम कर तिलक तिलक लगाया और ले जाके उसको उस दिन ठीक टाइम पर ऐसे बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गए, स्टेज बना हुआ था नीचे बैठ, उसे तुम चुप रहना और अपने हाथ यूँ पकड़ के बैठे थे, बोलना नहीं तुम। अब जो है शास्त्र श्री जो मध्यस्थ थे तो उसने बोला आप अद्वैत बोलो, इन्होंने मध्यस्थ की सराह किया, मध्यस्थ ने तुरंत बोला कि नहीं पहले आप द्वैत वाले जितना आरोप लगना है द्वैत पर आरोप लगा दो, एक एक का जवाब हमारे महाराज के शिष्य जवाब देंगे आपको, ठीक है? तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं, द्वैत के पंडित आपने सारी धड़ाधड़ बोल दिया, बोलने के बाद में बोला अब बोलो जवाब दो, एक बार दो बार, और ये चुप बैठे थे क्यों कर, महात्मा बोल रहे चुप रहो चुप था, दोबारा तीसरी बार परास्त हो जाता ना, उससे पहले महात्मा उठ के चले गए, चले गए उसे स्टेज पर जाके उसको प्रणाम करने लगे पंडित जी, डुप्लीकेट पंडित था वो, डुप्लीकेट भंगी को पंडित बना रखे उसको प्रणाम कर लो, भागा। अरे महाराज क्या करे, मेरे बाप चढ़ाओगे सर पे, है महात्मा हो हम तो भंगी पंडित बना दिए, ऊपर से जो प्रणाम करने लग गए, वो भागने लगा, वो भाग तो पीछे पीछे भागने लगे स्टेज पे, वो भाग स्टेज उधर भाग गए, जब भाग गया तो बैठ गया महात्मा। अगर किन दृष्टं द्वया, तुमने क्या देखा जो खेल हुआ है यहाँ, क्या कि तेन उगता अहम भंगी न ब्राह्मण, तगद प्रत्यक्षेण सिद्धं द्वैतम तदर्थम किं श्रुति करिष्यति, प्रत्यक्ष सिद्ध है द्वैत, इसका मतलब इसके लिए श्रुतियां मेहनत कर रही है, उपनिषद बेकार है, यदि यही द्वैत को सिद्ध करने के लिए सारा उपनिषद काम कर रहे हो तो उपनिषद व्यर्थ, तेन सिद्धम अद्वैतम, श्रुति हमेशा अद्वैत ही सिद्ध कर सकती है, कि प्रत्यक्ष अनुवाद करने के लिए श्रुति नहीं, श्रुति की प्रमाण खत्म, अनुवाद वाक्यम न प्रमाणम, अनुवाद वाक्य यदि करता है तो प्रमाण नहीं होता, अन्य प्रमाण से सिद्ध का अनुवाद हुआ ना, फिर तो अन्य प्रमाण ही प्रामाणिक हुआ, ये अनुवाद होने से अप्रामाणिक हो जाता है, तो परास्त हुआ, मैंने युक्ति से इस तरह से परास्त करनी पड़ी, उसे बताना पड़ा भाई श्रुतियां प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इत्यादि किसी प्रमाण के द्वारा जो असिद्ध है उन बातों को बताने के लिए उपनिषद है, और द्वैत तो भंगी को भी पता है, उसको सिद्ध करने के लिए श्रुति बोलेगी क्या? श्रुतियां जो भंगी नहीं जानता, जो विद्वान पंडित नहीं जानता, उन्हीं बातों को समझाने के लिए, और वो बात क्या है, वो अद्वैत अभेद है, एक किसी के अनुभव से सिद्ध प्रत्यक्ष अनुमान या अनुमानों के प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं था, अतएव श्रुति इस बात को ऐक्यता को कथन करती है। प्रत्यक्ष अनुमान बुद्धि दे, लेकिन असल तर्क के आधार पर उनकी जिंदगी चलती है ना, पूरा द्वैत संप्रदाय तर्क पर टिका हुआ है, और तर्क से द्वैत सिद्ध कर सकते हैं, वो कभी अद्वैत सिद्ध होता नहीं, इसे कहते अतएव नानुमानम अपि, अनुमान के द्वारा भी आप जो है जीव और ईश्वर में भेद की सिद्धि नहीं कर सकते, कि वो अनुमान क्या करता है, जीवेशौ परस्पर भिन्नौ, जीव और ईश्वर कैसा है, परस्पर भिन्न है, विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्, विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्, दहन तुहिनवत् दृष्टांत, दहन तुहिनवत् ये अनुमान करते हैं वो लोग,
लेकिन वो अनुमान भी उचित नहीं है, वह आगम से बाधित हो जाता है। कहते हैं नानुमानोपि प्रमाणम आगम विरोधात्, आगम विरोधात्। दृष्टांत कहते रहे मेरु पाषाणमयत्व अनुमानवत्, मेरु का पाषाणमयत्व अनुमान के समान। किसने अनुमान किया? मेरु हो पाषाणमय, मेरु पर्वत कैसा है? पाषाणमय, पत्थरीला है। क्यों? पर्वतत्वात् विंध्याचलादि पर्वत, विंध्याचल पर्वत पथरीला है ना, पत्थरों की है, उसी का दृष्टांत बना दिया। यत्र यत्र पर्वतत्वम तत्र तत्र पाषाणमयत्वम कह करके मेरु पर्वत को भी पत्थर वाला सिद्ध कर दिया हनुमान ने। लेकिन पुराणों में इत्यादि में क्या आया? वो स्वर्णमय है, पथरीला नहीं है, सोने का है पहाड़, मेरु पहाड़। सर्वत सौवर्ण कुलगिरी राजो मेरु, पुराण का श्लोक है, सर्वत सौवर्ण कुलगिरी राजो मेरु। सर्वत पूर्ण रूप में अंदर बाहर, ऊपर से चादर चढ़ा दिया अंदर पत्थर है, ऐसा नहीं, अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ बैठ जाए, स्वर्णमय है वो। सर्वतः सौवर्ण कुलगिरि राजो मेरु, इस आगम प्रमाण से आपका अनुमान क्या हो गया? बाधित हो गया। इसी प्रकार किसने कहा? ये जो आदमी का खोपड़ी है ना, मरा हुआ का खोपड़ा जो होता है कपाल, वो पवित्र है। किसी ने नरशिरोस्ति शुचि, नरशिरोस्ति शुचि अस्तित्वात् शंखवत्, हड्डी होने से शंख के समान। और शंख क्या है? हड्डी है ना, इसको क्या मानते? पवित्र है। मुंह लगा करके भी आप फिर उसे पूजा भी करते बैठ गए, पूजा मंदिर में रखते हैं उसको, उसकी भी आरती उतारते हैं आप हड्डी की, वो पवित्र मानते हैं आप उसको। किसने अनुमान इसलिए कर दिया? जैसा शंख रूप हड्डी पवित्र है हड्डी होने से, सर आदमी का खोपड़ा भी पवित्र है हड्डी होने से। अनुमान तो बिल्कुल सही, नहीं अनुमान आगम से बाधित है। क्या कहा? किसने कोई हड्डी को छुएगा तो क्या करना चाहिए उसको? प्रमाण क्या है? वह नरास्ति सस्नेहम स्पृष्ट्वा नरास्ति सस्नेहम सवासा जलमाविशेद। स्पृष्ट्वा नरास्ति, यदि किसी ने मनुष्य का कपाल ही नहीं किसी भी हड्डी को छू देता है तो उसको क्या करना चाहिए? सस्नेहम सवासा, तेल लगाकर कपड़े सहित जल में प्रवेश करके नहाना चाहिए, इतना पवित्र हो गया वो। इसका मतलब आगम से क्या हुआ? आपका अनुमान शुचित्व का अनुमान बाधित हो गया। तद्वत ये जो अनुमान उसने किया, जीवेशौ परस्पर भिन्नौ विरुद्ध धर्मत्वात्, दृष्टांत क्या था? दहन तुहिनवत, अग्नि और तुहिन के समान, अग्नि और हिम के समान। वो दृष्टांत, वो जो अनुमान है इस दृष्टांत के अनुसार बिल्कुल ठीक लग रहा है, किंतु आगम से बाधित हो गया। कौन सा आगम? तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा, ऐक्यता बोधक वाक्यों के द्वारा यह भेद बोधक अनुमान बाधित हो गया। कहते हैं लेकिन हमने बताया ना एक और आगम है, द्वास पुरणास विजास गाया द्वाविमो पुरुषो लोके गीता। ये श्रुति स्मृतियां हैं विरुद्ध में, तत्त्वमसि का विरुद्ध में, वो द्वैत बोल रहे, भेद बोल रहे हैं, ऐसे मैंने बताया था। तब पूर्व पक्ष जवाब देते हैं, ना भी आगमांतर विरोध, अन्य आगम मैंने श्रुतियां और स्मृतियों का साथ तत्त्वमसि आदि वाक्यों का कोई विरोध भी नहीं है। क्यों? तत्पर अतत्पर वाक्य और तत्पर वाक्य से बलवत्वेन नियम है, तत्पर और अतत्पर वाक्यों में तत्पर वाक्य ही बलवान है, तत्पर और अतत्पर वाक्यों के बीच में तत्पर वाक्य बलवान होता है, लोक सिद्ध भेदानुवादी है। अतएव क्या है द्वास प्रणादि वाक्य? लोक सिद्ध भेद का अनुवादक है, अतएव अप्रामाणिक है। वो केवल अद्वैत को समझाने में सहयोग देंगे, वो उसमें उसके उन वाक्यों के द्वारा भेद में यथार्थता सिद्ध नहीं होता, पारमार्थिकत्व नहीं है भेद में, उन वाक्यों ने भेद में पारमार्थिकत्व सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि लोक सिद्ध भेद का ही अनुवादक है, इसलिए अपूर्व बोधक वो नहीं है। अपूर्व बोधक कौन होता है? कल ही आया था ना, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, जो अन्य लभ्य नहीं हो
वही अर्थ शब्द का अपूर्व अर्थ मानी जाएगी। जो अनिलभ्य हो गया उसको कथन कर रहा हो कोई वाक्य, फिर वो अपूर्व अर्थ नहीं माना जाएगा, वो अनुवाद है। अनुवाद हमेशा अप्रामाणिक है, उसको मूल स्रोत जो होगा वो प्रामाणिक होगा। तो भेद का मूल स्रोत कौन था? प्रत्यक्ष आदि। अरे भेद में प्रमाण कौन होगा? प्रत्यक्ष। भेद में प्रमाण ये श्रुतियां नहीं, भेद का प्रमाण होता जो प्रत्यक्ष है उसका अनुवाद कर रही श्रुति कर रही है। द्वास प्रणासव जैसा गया द्वा विमोह पुरुषो लोके इत्यादि वाक्य, और उन वाक्यों को इसलिए रखा गया पहले आप जहां हैं उसका पहले अनुवाद करके बताना है। आप जिसको प्रत्यक्ष समझ रहे हैं उसको पहले श्रुति कहती है, फिर उसको श्रुति बाधित करके ऐक्यता का बोध कराती है। इसलिए आतत् पर मैंने अभेद भिन्न अर्थात भेद परक वाक्य, और तत्पर मैंने अभेद परक वाक्य, इन दो में से कौन सा बलवान है? अभेद परक वाक्य ही बलवान है, तत्परक वाक्य। क्योंकि जो भेद परक वाक्य है वो तो अनुवादी है, जो अनुवादी स्वतः प्रमाण होते नहीं। द्वास वर्णा इत्यादि वाक्य अपेक्षा उपक्रम उपसंहारादि अवगत अद्वैत तात्पर्य विशिष्ट तत्वस्यादि वाक्य से प्रबलत्वा, स्पष्ट कर दिया कि द्वास पुराण इत्यादि वाक्यों की अपेक्षा के द्वास पुराण वाक्य कैसे हैं? प्रत्यक्ष का अनुवाद कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा से तत्वस्य वाक्य प्रबलवान क्यों हुआ? क्योंकि वह उपक्रम उपसंहार आदि छह जो लिंग है वाक्यार्थ का निर्णय करने में, वाक्यार्थ का तात्पर्य को निर्णय करने में उपयोगी षठ लिंगों के द्वारा सिद्ध वस्तु है अद्वैत अभेद। अतएव अद्वैत या अभेद को कथन करने वाले तत्वमसि वाक्य क्या हो जाएगा? अत्यंत बलवान हो गया, इनका कहना है। तो द्वास पूर्ण इत्यादि वाक्य अपेक्षा कैसे है वाक्य? लोक सिद्ध भेदानुवादी द्वास पूर्ण आदि वाक्य उनकी अपेक्षा से उपक्रम उपसंहार आदि से अवगत अद्वैत के में तात्पर्य बोध कराने वाले अद्वैत तात्पर्य विशिष्ट जो तत्वस्यादि वाक्य से प्रबलत्वा, क्योंकि शास्त्र की शास्त्रार शास्त्र की शास्त्रवत्ता इसी में है कि किसमें? अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन, अज्ञातार्थ का ज्ञापकत्वेन ही शास्त्र की शास्त्रवत्ता से होता है, नहीं तो शास्त्र व्यर्थ है। ज्ञातार्थ ज्ञापकत्व हो वो तो अनुवाद है, वो शास्त्र को करने की जरूरत नहीं, अन्य प्रमाण से ज्ञात है ही है, उसके लिए शास्त्र को करने की जरूरत क्या? इसे शास्त्र का लक्षण ही क्या किया? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतगेन वा, ये तो लक्षण थी। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतगेन वा, इसको जिसके द्वारा जाना जाता है वो शास्त्र है, चाहे नित्य प्रवृत्ति हो चाहे नित्य निवृत्ति हो, चाहे कृतक प्रवृत्ति मैंने नैमित्तिक प्रवृत्ति और नैमित्तिक निवृत्ति, ये कब होना कब नहीं होना ये सब जो बोध कराते उसी का नाम शास्त्र। इसे कहते हैं शास्त्र से अज्ञातार्थ परत्वात् भेद से प्रत्यक्षादि प्रमाण अवगम्यत्वात् न तत्परत्वम्, अतएव इनको तत्पर नहीं माना जा सकता। न च जीव पर ऐक्य गुरुधर्माश्रित अनुपत्ति, तो पूर्वपक्ष कहता है महाराज जीव और पर के ऐक्यता ही वास्तविक है, फिर ये क्यों हमें अनुभव में आ रहा है? वृद्ध धर्म का जो अनुभव होता है वृद्ध धर्माश्रित्व वो उपपन्न नहीं है। कहते न अनुपत्ति ही वो भी उपपन्न है, एक होता हो भी विरुद्ध धर्म आश्रय होने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उन दोनों में से क्या होता है? विरुद्ध धर्मों में से एक धर्म वास्तविक होता है, दूसरा आरोपित होता है। दूसरा क्या होता है? आरोपित होता है। आरोपित वस्तु मिथ्या होगी, आरोपित जो धर्म है वो मिथ्या होगा, जो अनारोपित मतलब स्वरूप धर्म है वो सत्य होगा। अति उद्योग परस्पर विरुद्ध, एक सत्य एक मिथ्या, इन दोनों को आप देख रहे हैं, अतः आपको लगता है परस्पर विरुद्ध दो धर्म है। इन परस्पर विरुद्ध दोनों पारमार्थिक होता तो वास्तव में आप कह सकते हैं दोनों परस्पर विरुद्ध है, इन वास्तव में दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं है, एक पारमार्थिक है एक मिथ्या है, अतः एक पर दूसरा आरोपित हो सकता है और दोनों एक अधिष्ठान में रह सकते हैं क्योंकि दोनों सत्य नहीं है। इसे क्या देखा? शीतस्य एव जलस्य औपाधिक औष्णीय आश्रित्व, दृष्टांत क्या दे रहे सिद्धांति? जैसा जल का स्वभाव क्या है? शीत है, उसमें गर्माहट आ गया, गर्मी है तो किस कारण से? वो उसके स्वरूपता नहीं है, वह जो शीत का विरुद्ध धर्म औष्णता का भान हो रहा है हमें जल में वह औपाधिक है, तात्कालिक ही है,
क्वचित काल पर्यंत स्थायी है, नित्य स्वरूपूत वस्तु नहीं है। इसलिए कहते हैं शीत से जल से औपाधिक औष्ण आश्रित स्वभाव तो निर्गुण से। इस तरह से स्वभाव से हमारा स्वरूप क्या है? निर्गुण स्वभाव है। स्वभाव तो निर्गुण से तस्य तस्य मैने पर से परमात्मा शुद्ध ब्रह्मण अंतकरणादि औपाधिक कर्तृत्वादि आश्रित प्रतिभास उपवत्ते है। अंतकरणादि रूपा कार्य उपाधि है जो इन उपाधियों में विद्यमान कर्तृत्वादि का उस ब्रह्म में प्रतिभास होने लग गया। निर्गुण से का षष्टी है ना, निर्गुण से तस्य जीव से नहीं हो सकता, वो गलत दे दिया, जीव से देना ही नहीं है, तस्य ही होना चाहिए, तस्य से जीव को नहीं लेना, हमको ब्रह्म लेना है। उस ब्रह्म में अंतकरण आदि औपाधिक कर्तृत्व आदि का आश्रयत्व प्रतिभास पत्ते है, उस ब्रह्म के अंदर हो रहा है। तस्य होना चाहिए, तो पूर्व में सृष्टि कौन आया? निर्गुणस्य। हमें यह सिद्ध करना है ना, वास्तव में जीव है ही नहीं, वही निर्गुण ही है, वो तो जीव तो आरोपित है, जीवत्व ही आरोपित है। यदि हम कहते जीव ब्रह्म एक जो कह रहा हूं उसका तात्पर्य कि वास्तव में जीवत्व ही आरोपित है, जीवत्व है नहीं। समझाने लगा जीव ब्रह्म ही बना पर कह देते हम लोग, वास्तव में जीव है क्या? ये जीव होता तो जीव ब्रह्म से एक होता, वास्तव में जीव नाम का चीज ही नहीं है, ब्रह्म ही है, अब भी तब भी हमेशा। जीव कहां है? जीव तो भ्रांति है, जीवत्व औपाधिक है। तस्य अंतकरण आदि औपाधिक कर्तृत्व आदि आश्रितम उसके तस्य निर्गुण से वह जो निर्गुण तत्व है उसी के अंदर इस कर्तृत्व का आश्रित्व का प्रतिभास हो रहा है। यदि च जलादो अष्टम आरोपितम तथा प्रकृति की तुल्य, यदि आप इस बात को मानते हो जलादियों में औष्ण्यादि का आरोप हुआ है तो फिर प्रकृति भी मैंने प्रकृति से ब्रह्म में भी निश्चित रूप में जीवत्व अर्थात कर्तृत्व आदि का आरोप है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रकृति मैंने आत्मन्यपि आत्मा में भी तुल्यम मैंने कर्तृत्वादि का आरोपितम, कर्तृत्वादि आरोपित अर्थ लेना पड़ेगा। न च सिद्धांत कर्तृत्व से क्वचित अपि अभावात्। तब पूर्व पक्ष एक और शंका बड़ा सुंदर बोलते महाराज, वहां तो क्या है आरोपितम इसलिए बोलते हैं कि गर्म चीज अन्यत्र प्रसिद्ध है, कहां? अग्नि में। अग्नि में प्रसिद्ध धर्म था, वो जल में मुझे दिखाई दिया तो मैंने कहा जल में अग्नि का धर्म आरोपित हो गया। जल का अपना धर्म शीत था और अग्नि की उसे दूसरे पदार्थ का जो धर्म वो यहां आ गया, वो भाषित हुआ, तब हमने उसको आरोपित मान लिया। कि आपके ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा चीज है जिसमें कर्तृत्व शक्ति हो, जहां का धर्म को यहां आरोपित कर रहा हूं, ये दूसरा है मानो तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा, नहीं है कहोगे तो आरोप कैसे कर सकते हो? कि आपने दृष्टांत जो दिया उष्णत्व का दिया जल में, और उष्णत्व जो धर्म अन्यत्र कहीं नहीं, ऐसा है नहीं ना, कहीं तो प्रसिद्ध है नेत्र अग्नि में प्रसिद्ध है, वो अग्नि का स्वरूप धर्म है ना, पारमार्थिक है ना अग्नि का, अग्नि का पारमार्थिक स्वरूपता धर्म को अन्यत्र हमने देखा, वो भी कहां देखा? उसकी विरुद्ध पारमार्थिक स्वरूप दूता धर्म वाला जल में देखा, जिसमें शीत स्वभाव वाला जल है। ऐसे दोनों सत्य था, जल भी सत्य है अग्नि भी सत्य है, इसका धर्म उसमें देखा तो हम कहेंगे आरोपित है, उसका धर्म को इसमें देखूंगा तो आरोपित कह सकता हूं। इन दो सत्य वस्तुओं के ही धर्मों का परस्पर एक दूसरे में जब जाने पर आरोप माना जाएगा, नहीं इसका मतलब आपको कर्तृत्व से विजिट कोई दूसरा सत्य वस्तु मानना पड़ेगा, वहां विद्यमान कर्तृत्व को या ब्रह्म में आरोप हो गया कहना पड़ेगा, यह आपत्ति दे रहा पूर्व पक्ष, तब भी तो सिद्ध हो गया पूर्व पक्ष काम बन जाएगा ये, हाँ कर दोगे तो ये ब्रह्म से भी दूसरा मान लेना सत्य वस्तु जिसमें कर्तृत्व सत्य है, वहां जो सत्य कर्तृत्व था उसको हम यहां देखा जहां वास्तव में अकर्तृत्व वाला स्वरूप वाला निर्गुण स्वरूप वाला ब्रह्म है, अतएव निर्गुण ब्रह्म में देखा हुआ कर्तृत्व वो आरोपित कहा जा सकेगा। तब सिद्धांत कहता है कोई जरूरी नहीं, दृष्टांत हमेशा पूर्णतया घटा नहीं जाता है, दृष्टांत में आरोप है इतने मात्र के लिए हमारा वो दृष्टांत था। दो परसवृद्ध धर्मों को एक वस्तु में मैं जब देखूंगा तब मैं ये कहता हूं उसमें क्या है सिद्धांत,
यह है कि उस वस्तु में देखा जा रहा है दो धर्मों में से एक धर्म तो उसका पारमार्थिक स्वरूपता धर्म होगा और दूसरा आरोपित होगा। इतने मात्र के लिए मैंने दृष्टांत दिया है। वह आरोपित धर्म अन्यत्र सत्य ही असत्य है, उसे कोई मतलब नहीं दृष्टांत का। कहते फिर भी इसका समाधान क्या है आपके पास? कहते हैं आरोपित धर्म अनादि अविद्याकालीन संस्कार की वजह से भी हो सकता है, सत्य होने मात्र से कोई जरूरी नहीं है। दृष्टांत न च सिद्धांत कर्तृत्व से क्वचिदपि अभाव आरोप्य प्रमा आहित संस्कार अभावे कथम आरोप इति न च वाच्यम्। कहते क्योंकि आपके सिद्धांत में कर्तृत्व नाम का जो धर्म है अन्यत्र कहीं भी नहीं होता, अतएव अभावाद आरोप्य प्रमा, आरोप्य कौन है? कर्तृत्व। इसकी जो प्रमा आपके अंदर है कभी अन्यत्र अनुभव हुआ हो उसका संस्कार यहां है, वो संस्कार के वजह से हम ब्रह्म में आरोप हम कर सकते थे। इन आरोप्य प्रमा आयत संस्कार भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि आरोप्य भूता जो धर्म है वो अन्यत्र विद्यमान ही नहीं रही, अतएव अन्यत्र जो विद्यमान नहीं उसका अन्यत्र के प्रमा नहीं होगा। जब प्रमा नहीं हुई तो संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है तो अन्यत्र उसका आरोप नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति जिंदगी में कभी रजत को देखा ही नहीं, उसको शुक्ति में कभी रजत की भ्रांति नहीं हो सकती कि अन्यत्र से रजत को देखा है, वहां चाकचिक्य थी उस रजत में, उसका संस्कार अंदर बैठा हुआ था, तभी शुक्ति में संस्कार ने काम करा विद्या के द्वारा रजत को पैदा कर लेता है। इधर से यहां पर भी यदि मुझे कर्तृत्व का आरोप करना है तो मुझे कर्तृत्व का संस्कार होना जरूरी है, और कर्तृत्व का संस्कार आपके अंदर तभी हो सकता है जब अन्यत्र के कर्तृत्व का आपने प्रमा उत्पन्न कर लिया हो। अन्यत्र कर्तृत्व का यदि प्रमा होना है तो अन्यत्र को सत्य वस्तु मानना पड़ेगा जिसमें कर्तृत्व पर सत्य धर्म विद्यमान है। यदि नहीं है तो संस्कार नहीं, संस्कार नहीं है तो आरोप नहीं हो सकता, तो फिर कर्तृत्व सत्य हो जाएगा प्रभु में। कहते हैं कथम आरोप, जब संस्कार ही नहीं रह गया तब आरोप कैसे कर सकते हो? इतना चवाचम, तब कहते ऐसी बात नहीं है, हमेशा प्रमा आहित संस्कार से ही हम आरोप करते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है। अनादिकालीन परंपरा से ज्ञात ज्ञात भ्रम भ्रांति ज्ञानों का भी संस्कार हमारे अंदर है, भ्रांति ज्ञान का संस्कार है। बच्चा पैदा हुआ उसे मालूम है कि वो क्या है, उसके दिमाग में घुसा दिया गया तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, उसके साथ खेलना नहीं, उसके साथ बैठना नहीं, उसके हाथ पानी पीना नहीं, उसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना, दिमाग में उसको ड्रिलिंग कर दिया जाता है पूरा, ये भ्रम उसके दिमाग में घुसा दिया गया है। तुम मनुष्य है, तुम मनुष्य है, तुम पुरुष हो। घरों में आप देख सकते हैं लड़कियों को डांटे, चुप भाई, भाई को बोला नहीं कोई, तुम झड़ू पड़ो, लड़कियों को तो तेल देते हैं और लड़के को मुश्किल बनाए रखते हैं, है या नहीं? अब उसको पहले से दिमाग में गुजार, मैं लड़का हूं, मेरे को कोई काम धंधा नहीं करना, सब कुछ कर लड़की को करना है, वो भी ऑर्डर करने लग जाता है बहन, दिमाग गुस्सा नहीं होता, एक कहते रे लड़के को वक्त बहन को कुछ नहीं बोलो, अब तुम करो, फिर करता नहीं क्या वो? अब जैसे दिमाग में आपने डाला उसी आधार उसके अंदर क्या उत्कर्षता निकृष्टता सारी बोध भ्रांतियों की घुस गई, वो जिंदगी भर चलता है, फिर वो भ्रम कभी मिटता ही नहीं, भ्रांति का संस्कार है वो, प्रमा का संस्कार नहीं है। और भ्रांति का संस्कार के आगे भी क्या हर कार्यकलाप में वो आरोप होते जाता है। इसलिए संस्कार आपने जो कहा ना अन्यत्र सत्य वस्तु का प्रमा होना जरूरी है, उसकी संस्कार होगा तही अन्यत्र आरोप करूंगा, ये बिल्कुल गलत विचार है। भ्रांति प्रमा साधारण संस्कारों से भी आरोप हो जाता है, और हमारे अंदर अनादिकालीन भ्रांति है कर्तृत्व का, अति इसका भ्रम में सदा आरोप करते रहते हैं। इसे कहते हैं लाघवेन आरोप्य विषयक संस्कार आरोप्य विषय संस्कार होना चाहिए, आरोप्य प्रमा विषय संस्कार होना कोई जरूरी नहीं। आरोप्य वस्तु का
जैसे रजत की प्रमा, रजत की प्रमा का ज्ञान जरूरी थी शुक्ति में रजत का आरोप करने, वैसे सर्वत्र लागू नहीं होता। आरोप्य विषय संस्कार चाहिए, वो आरोप्य विषय जो संस्कार जो पैदा हुआ वो भ्रांति से भी पैदा हो सकता है संस्कार, प्रमा से भी पैदा हो सकता। इसलिए लाघवात हमें क्या करना पड़ेगा, संस्कारत्व संस्कार का बस, वो प्रमाजन्य संस्कार है या अप्रमाजन्य संस्कार है यह कोई जरूरी नियम नहीं है। अप्रमाजन्य संस्कारों से भी उत्तरोत्तर भ्रांति होती रहता है, और यह जो कर्तृत्व का आरोप हो रहा है, अल्पज्ञत्व का आरोप हुआ है, यह क्या है, अनादिकालीन अविद्या जन्य भ्रांति का ही संस्कार है, प्रमाद संस्कार से। और क्या, अपने ब्रह्म वेदांत दृष्टि से स्वरूप दृष्टि बात कह सकते हैं, इन व्यावहारिक सत्ता मानेंगे तो बात अलग चीज है। अब यह चर्चा चल रहा है ऐक्य का, ऐक्यता की चर्चा चलने से हम व्यावहारिक सत्ता को उड़ा दे रहे हैं, उसको भी हम अप्रमा ही कहेंगे। पूरा व्यावहारिक जो प्रत्यक्षानुभव हो रहा है, विरुद्ध धर्म का अनुभव हो रहा है, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं अनिश्वर हूँ इत्यादि, ये भी सब भ्रांति ही है, परतोग्राही है, सा स्वतग्राही प्रमाण नहीं बनता है, स्वतः प्रमाणता नहीं है इनमें। इसे कहते हैं कि लाघवेन हमें क्या करना पड़ेगा, आरोप विषय संस्कारत्वेन संस्कार कारण है ये हमें कहना पड़ेगा, प्रमाजन्य संस्कार ही आरोप के प्रति कारण है ये व्यवस्था नहीं माना जा सकता। ब्रह्म प्रमाण्यत्र जन्य आरोप विषय संस्कारत्वेन आरोप विषय संस्कार से हेतुत्वम, क्यों रास्ता इसलिए नहीं ना, आप जैसे कमरा बनता है कुछ ही बनता है, अंधकार कब से किसको मालूम है, अब लाइट जला दो इतना मालूम है कि लाइट जलाते वाला अंधकार खत्म होता है, उत्तर ही नहीं ना, अब एस्केपिज्म तब तब उत्तर हो दो तुम, या तो किसी पर कोई आरोप लगाए से पहले उसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए, तब तो उसका खंडन होएगा। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो किसी ने तो मारे जा रहे हैं, हाँ उनके पास ये उसके वो भी अनादि कह रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति हो अनादि कहे बिना उसके पास कोई जवाब किसी के पास नहीं, इसलिए या तो जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ बोल दो तो अजातवाद में गया, फिर या तो अजातवाद में जाओ, जो पैदा ही नहीं हुआ कहानी का तो ऐक्यत्व बोलने की जरूरत दिया, ऐक्यत्व व्यवहार ही तो दृष्टि सृष्टिवाद सृष्टि दृष्टिवाद में जरूरत है, इसे अनादि जवाब देना नहीं चाहते वो उसका भी जवाब दे दिया अजातवाद, फिर जगत पैदा नहीं हुआ कहानी का बढ़िया तो है, लेकिन जीवन में उतरना चाहिए ना, जीवन में तो भेद में घुसे पड़े हो 24 घंटे, अब बढ़िया है कहने से थोड़ी हो जाता है, जब जगत ही पैदा नहीं हुआ किस बात के विवाद होते हैं, फिर उपासना क्या है, कर्मयोग क्या है, क्या जरूरत है सब, फिर वो स्थिति वाला क्या होगा, अजगर वृत्ति बताया गया उसको है ना, जात धरो अवधूत हो जाएगा, वह किसी प्रकार के जो है व्यवहार में नहीं रह जाएगा, खत्म कहा व्यवहार उसके साथ, तो वो स्थिति हो तो बहुत अलग चीज है, इसलिए सिद्धांत समझो बस इतना ही है, वो स्थिति में भी है ही नहीं, जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तभी तो शास्त्र पढ़ रहे, तो पढ़ने के लिए क्या जरूरत है, जो जगत ही पैदा नहीं हो तो शास्त्र भी पैदा नहीं, पढ़ना क्या, वो स्थिति बात अलग है, तो वो तो लास्ट में तो सिद्धांत समझने के लिए है, वर्तमान जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुसार आपको जो करना है वो करना ही है, शास्त्र को पढ़ना ही है, शास्त्र के द्वारा जब तक पूर्णतया सारी चीज बाधित रहो तब तक तो मानना है, तब तक के लिए जवाब यही अनादि है, अनादिकाल भ्रांति जन्य संस्कार है, हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व हुआ वो आरोपित संस्कार निश्चय हुआ, न च प्राथमिक आरोप है कहा गति, पूर्व पक्षी कहता है इसलिए पहली बार जो आरोप हुई थी उस समय कौन सा संस्कार कहां से आ गया था, संस्कार पहली बार जो आरोप कब हुआ था पूछने में, नहीं कभी ना कभी तो पहली बार हुआ, वो पहली बार जब हुआ था उसके लिए संस्कार कहां से आया था, तब कहते कर्तृत्व अध्यास प्रवास अनादित्व, और कोई जवाब नहीं, जो कर्तृत्व आदि का जो अध्यासिक प्रवाह है चल रहा है ये अनादिकाल शत अनादियों में से यही अनादित्व, हम ऐसा मानते हैं उससे पहले हुआ उससे पहले हुआ तो कभी भी हमारे प्रति इसकी सत्यता निवृत्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने उसको सत्य मान के तभी तो कभी हुआ है ना, कभी हुआ है तो कभी हुआ है तो ये सत्य अभी आगे भी होते रहेगा, अनादि सब दोनों चीजों का उसकी सत्यता को निवृत्त कर दिया और सारे अनवस्था आदि दोषों को भी निवृत्त कर देता, इस तरह से निर्णय हो गया
तत्त्वम पदवाची और विशिष्ट यो हो, इसे क्या है तत् और तम दो विशिष्ट शब्द थे तत्व से वाक्य में, विशिष्ट यो हो ऐक्य अयोग्यत्वे भी, यदि जो विशिष्ट पदार्थ है वह ऐक्य के योग्य नहीं है। लक्ष्य स्वरूप योर, किंतु लक्ष्मुदा जो स्वरूप है इन दोनों का वह ऐक्यम उपाधित उनकी ऐक्यता उपपन्न हो गया। विशिष्ट में ऐक्यता नहीं हो सकती, किंतु ऐक्यता किसमें है फिर, इन विशिष्टों के द्वारा लक्षित वस्तु जो है उस लक्ष्य का स्वरूप ऐक्य है। तो विशिष्ट और ऐक्य अयोग्यत्वे भी ना विशिष्ट में तो विशेषण की महत्व बढ़ गया ना, विशिष्ट का मतलब क्या विशेषणवान उपाधि वाला विशेषण न विशेषण से युक्त का नाम विशिष्ट, केवल विशेषण केवल विशेष, और विशेषण विशेष जब युक्त हो जाते हैं तब उसको हम नाम रखते हैं विशिष्ट, अर्थात क्या है केवल विशेष नहीं रहा, विशिष्ट का मतलब क्या केवल विशेष नहीं, अतः जो विशिष्ट है उसमें क्या रहेगा विशेषण जुड़ा रहेगा, जब विशेषण जुड़ा हुआ है ऐसे तो विशिष्टों का ऐक्यता आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों विशिष्टों का विशेषण कैसे है परस्पर विरुद्ध है, उन विशेषणों से युक्त हुआ दोनों विशिष्टों में ऐक्यता कभी नहीं हो सकती, किंतु क्या होगा इसलिए इन विशिष्टों के द्वारा लक्ष्यभूता जो विशेष मात्र है उनमें ऐक्यता हो जाए। अतएव इसलिए जो लोग कहते हैं वेदांता न ब्रह्म परा, जितने वेदांत वाक्य हैं वेदांता न ब्रह्म परा अनुमान करते हैं, नहीं भी मान सक लो वेदांता न ब्रह्म परा सिद्धार्थ अवोध वाक्यत्वात् क्रिया अबोधकत्व सति, क्रिया अबोधकत्व सति सिद्धार्थ बोधकत्वात् अग्नि रिमस भेषजम इत्यादि वाक्य अनुवाद वाक्य, अथवा वो कहते हैं वेदांता न ब्रह्म परा अपितु उपासना परा आदित्य प्रमितपासिति तत्त्वम अहम अस्मिति अहंग्र उपासनार्थम एव न तो वास्तविक बोधनार्थम, इसको या तो सिद्धार्थ वादक है जैसे अग्नि रिमस भेषजम वज्रस्तो पुरंदर इत्यादि वाक्य के समान है, अहंग्र उपासना के अनुमान बताया अनुमान जो सिद्ध कर रहे हैं हेतु क्या दिया इसमें ऐक्य असंभवत आदित्य ब्रह्म इत्यादि हेतु सीधा उनके पास है ऐक्य असंभव तत्व सिद्धि इत्यादि वेदांता उपासना परा न ब्रह्म परा, क्यों ऐक्य असंभव आदित्य ब्रह्म इत्यादि ऐसे तुम ब्रह्म कह दिया और आदित्य ब्रह्म नहीं है साफ दिख रहा तो सगुण साकार है उसका निरुण निराकार कैसे कह दिया, ये दिखाई दे रहा है ना सूर्य सगुण है वो साकार है वो उसको ब्रह्म कह दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो उपासनार्थ माननी पड़ेगी, तद्वत ये तम पदार्थ क्या दिख रहा है हमको सशरीर वाला है सगुण साकार है कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है इसमें ऐक्यता तो संभव नहीं है, अतएव तुम को यदि तत् कह देते हो तो वो उपासना के लिए माननी पड़ेगी, ऐसे जो उनके सारा अनुमान हम लोगों के उत्पादन की युक्तियों के आधार पर खंडित हो गया। अतएव तत्प्रतिपादक तत्त्वमस्यादि तत्व ने ऐक्यता का प्रतिपादक तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम सिद्ध हो गया, तो हम उसके विरुद्ध अनुमान क्या करेंगे वेदांता ब्रह्मपराः वेदांता ब्रह्मपराः अखंडार्थ बोधक प्रत्युष्ट प्रकाश चंद्र जीव ये हम लोगों का अनुमान ठीक विरुद्ध वेदांता ब्रह्म पर और न ब्रह्म पर का उपासना पर कह दिया, हम कहते ब्रह्म पर न उपासना पर क्यों अखंडार्थ बोधकत्वात् प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि वाक्य वक्त यह हमारे पास भी दृष्टांत वाक्य सत प्रतिपक्ष हो गया ना खंडन हो गया, तो अनुमान को इस तरह से कैसे कह देते देखो तत्प्रतिपादक तत्त्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम् यह अखंडार्थत्वम् हेतु है तत्त्वमस्यादि वेदांत वाक्यम ब्रह्म परम अखंडार्थ बोधकत्वा स्वयं इत्यादि वाक्य स्वयं इत्यादि वाक्यम के समान न च कार्यपरिणामेव प्रामाण्य, अब खड़ा हो गया प्राभाकर विमान से कहते नहीं नहीं बिल्कुल कट्टर है वो कहता है बिना कृति साधिता का बोधक के कोई वाक्य को हम प्रामाणिक नहीं मानते, कार्य परिणाम ने क्रिया विशिष्ट बोध प्राणाम
आमना से क्रियार्थत्वाद अनर्थक अतदर्था नाम मीमांसा सूत्र है, वो सूत्र क्या कहते जो क्रियापरक वाक्य होगा जेत वगैरह है वे ही प्रामाणिक होते हैं, और जो वस्तुबोधक वाक्य होते हैं वो प्रामाणिक नहीं मानते, वो अर्थवाद कोटि में ले लेते हैं, वो विधि का विधेय का प्रशंसा निंदा में उपयोगी हो जाता है। या उपासना कर दो कर्म का किसी न किसी अंग में उसको उपासना पर कटा दो, कर्मांग अवध उपासना कर दो उसको, कर्म का अंग कौन है यजमान, कर्म का 18 पुरोहित होते कम से कम ना, जो श्रौत बड़े यज्ञों में क्या होता है 18 चाहिए, 16 तो पंडित वो हो गए, चार 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 है ना, वो त्रिगण आदि चार गण में, और यजमान यजमान पत्नी दो, यजमान अपने आप को ब्रह्म करके उपासना करेगा, ये कर्मांग उपासना हो जाएगा, उपासना के लिए है ये कर्म का अंग पूता, यजमान अपने आप को ब्रह्मत्व उपासना करनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। कृत साध्य विशिष्ट में ही वो शक्ति मानते हैं, क्योंकि सकल वा वेद वाक्यों को कृति साध्यत्व विशिष्ट पदार्थ बोध कराने में ही शक्ति उन्होंने माना है, अतः सिद्ध वस्तुओं में इसका प्रयोग करना उचित नहीं है, और सिद्ध वस्तु के यदि कथन होता भी है वो अर्थवाद आदि में लेकर के विधेय का स्थिति स्तुति या निंदा आदि रूप में ले लेना, अथवा यज्ञांग भूत यजमान आदि का उपासना के लेकर के ग्रहण कर सकते हैं सिद्धार्थ बोधक वाक्यों को, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। न च कार्य परिणाम एव प्रमाण्य सिद्धांत, नहीं नहीं ऐसे मत कहो, कार्य पर ही होने पर वाक्य में प्रामाण्यता होता है ऐसा नहीं कहना, कि लोक में भी देखने को मिलता है सिद्धार्थ वाक्य प्रामाणिक होते हैं, जैसे चैत्र पुत्रस्ते जाता हो या कुछ भी कृति साध्यता नहीं, कोई आदमी आया और सूचना दे भो चैत्र तुमको बेटा हो गया, इसमें क्या करना है उसको, बेटा हो गया हो गया, वैसे कुछ कृति साध्य है कुछ उसमें, कुछ सिद्धार्थ बोधक वाक्य है और वाक्य भी अपने आप में प्रामाणिक वाक्य, अप्रामाणिक तो नहीं हुआ, वो प्रयोग काल में कृति असाध्य होने पर भी प्रयोग काल में जो प्रयोग कर रहा है व्यक्ति बोल रहा है उस समय उस सुनने वाला पुरुष के द्वारा कृति साध्य कुछ भी नहीं है, फिर भी संगति ग्रह हो रहा है, शब्दों की शक्ति ग्रह हो गया और उसके मन में प्रसन्नता हो गई, हाँ मैं तो पिता हो गया, योग्य पुत्र मुझे प्राप्त हो गया, ऐसे भाव उसके जगते हैं केवल, लेकिन कृति साध्य कुछ भी वहां प्रयोग काल वाक्य का प्रयोग काल में नहीं रह जाता है, फिर भी वाक्य अपना अर्थ बोध भी करा दिया और अर्थ प्रामाणिक भी रह गया, तद्वत तत्वमसि आदि वाक्य भी कर सकते हैं सिद्धार्थ बोधक होते हुए, प्रयोग काल में उनका कोई कृति साध्य नहीं रहेगा, ऐक्यता का बोध का बोध हुआ अनुभूति हो रही है उस प्रयोग काल में कृति साध्य कुछ विशेष नहीं रह जाता है, फिर भी उस वाक्य से जो शक्ति निकली शक्यार्थ बोध हुआ वह बोध प्रामाणिक होता है अनुभव सिद्ध हो जाता है। एवं सर्व प्रमाण अविरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव पर ऐक्यम वेदांत शास्त्र से विषय सिद्धम, इसलिए सर्व प्रमाणों के अविरुद्ध श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों की द्वारा प्रतिपाद्य जीव और जीव ब्रह्म और पर ईश्वर इन दोनों के ऐक्यत्व ही वेदांत शास्त्रों का विषय है, यह सिद्ध हो गया। अब इस विषय का प्रयोजन क्या विचार करना पड़ेगा, ऐक्यत्व बोध का प्रयोजन क्या, उन्हें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सकल प्रमाणों का आपने समझा दिया, किसी के साथ ऐक्यता का विरोध नहीं है, तत्वमस्यादि वाक्यम न उपासना परम, इसलिए अनुमान करना पड़ेगा, तत्वमस्यादि वाक्य क्या है, उपासना परम न भवति किंतु ऐक्य परम अखंडार्थ बोधगत्वात् स्वयं देवदत्ता इत्यादि या प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि वाक्यवत्, और इसका फल के प्रति बहुत बार आया अभयम वही जनक प्राप्त होसी तदात्मानमेव वेत अहम ब्रह्मास्मि इति, फल क्या है इस विषय को जानने का, अभयम वही प्राप्त हो सिका यज्ञोलक ने जनक को, और आगे उसी वृदान में आता है आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं मनु संज्वरे, पंचदशी में तो इसके ऊपर पूरा सातवां प्रकरण है, एक ही मंत्र की व्याख्या है पूरा एक प्रकरण, तो यह साफ बोल रहे हैं ना इसमें
किमर्थम शरीरम मनो संजरे तत्र कौमोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता। कैवल्य उपनिषद में कहा जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाश्यते तत् ब्रह्म अहम् इति ज्ञात्वा सर्वबंधात् प्रमुच्यते। मयि एव सकलं जातं मयि सर्वं प्रदर्शितं मयि सर्वं लयं याति तत् ब्रह्मद्वयम् अस्मि अहम्। ये भी कैवल्य का पूर्व पुराण में आया यथा नदी नदो लोके सागरेणैकताम् यात् तत्तदात्ताक्षरेणासो निष्कलेनैकताम् यात् ऐक्यत्व का प्रतिपादन पुराण श्रुति स्मृति पुराण पुराण स्मृति कोटि में ही लिया। और विश्वामित्र स्मृति का श्लोक दे रहे हैं यद स्थूलम अणनु आख्यम प्रमेयम अवर्णकम तद ब्रह्माहम् इति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम्। विश्वामित्र स्मृति वररुचि का वचन भी है अहम् एव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम् इति स्यान् निश्चितो मुक्तो बद्ध एव अन्यथा भवेत् अन्यथा भवेत् स बद्ध एव। वररुचि का वचन दक्ष स्मृति भी आया अत्रात्त व्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति ब्रह्मभूत सेवेह दक्ष पक्ष उदाहृतः। वशिष्ठ जी का वचन है सर्वभूतांतरस्थाय नित्य शुद्ध चिदात्मने प्रत्यक्ष चैतन्य रूपाय मह्यमेव नमो नमः। तुभ्यमेव बोलते ना लोग, ये कहते हैं मह्यमेव नमो नमः, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ। हाँ, इस तरह के बहुत सारे श्लोक अष्टावक्र गीता। तो इस प्रकार के बहुत सारे श्रुति स्मृति इतिहास पुराण बता रहे हैं ऐक्यता ही मुख्य है लक्ष्य सकल वेदांत का। अतः प्रयोजन परिच्छेद अब प्रयोजन परिच्छेद शुरू होता है इदानीं प्रयोजन निरूप्यते है एदारिश विषय को जानने के क्या प्रयोजन है। छयो प्रमाण के द्वारा अंत निर्धारित विषय क्या है ऐक्यता का प्रतिपादन करना लक्ष्य है। सभी प्रमाणों को एक रूप ही ग्रहण करना चाहिए उपयोग करना चाहिए। तो इदानीं प्रयोजन उसका प्रयोजन क्या है कभी यह दावा प्रयोजन का लक्षण पहले बताओ प्रयोजन किसे कहते हैं। यदवगतम सत सवृत्तते इष्यते तत् प्रयोजनम यद अवगतम सत स्ववृत्तया इष्यते तत् प्रयोजनम उसका नाम प्रयोजन। इधर इधर कोई चीज को समझा दो वो जानने के बाद पूछे इसका क्या प्रयोजन है ऐसा बोलता है। इसका क्या प्रयोजन का मतलब क्या इससे मेरे को क्या लाभ होगा इसको मैं पाऊं तो इससे मेरे क्या मेरा लाभ होगा। किसी भी चीज का आप जानकारी देंगे तो व्यक्ति पहले जानकारी ले तो लेगा कई बार तो लेने से पहले पूछेगा पहले लाभ पता के तब जाकर उसको वस्तु के बारे में बताना पड़ता है कि प्रयोजन मनुष्य मंदो बिना प्रवृत्ति सुनने को भी प्रवृत्ति नहीं होगा। ये नहीं ये तो भूल चूक से कभी सुन लेता है कहीं कुछ वेदांत वगैरह तो फिर प्रयोजन मालूम तो हो ही गया है अतएव आ जाता है ना वेदांत और आगे पढ़ने के लिए नहीं तो क्यों आएगा। प्रयोजन को जान के ही पढ़ने आ रहे क्योंकि ज्ञान से मोक्ष होता है समझ गए हैं तो इसलिए ज्ञान पाने के लिए आते हैं और अज्ञान लेके चले जाते हैं साथ में समस्या तो ये हो जाता है। ज्ञान लेने आते हैं और अज्ञान लेके जाते हैं बहुत कठिन काम कि जब जाते हैं उनको देखो कैसे जाते हैं तब पता चल जाता है ज्ञान लेके जा रहे कि क्या जा रहे सब जो जाते तो अहंकार लेके जाते साथ में मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ अब मैं उधर कथा करूँगा इधर प्रवचन करूँगा इधर ये करूँगा उधर वो करूँगा बहुत बड़ा आश्रम बनाऊँगा ये करूँगा ऐसे ऐसे क्या आके दुनिया कल्पना लेके भी चलते रहते। कई लोगों का तो लक्ष्य होता है इसलिए चोटी पहले काटते नहीं वो कहते कहीं के मंडेश्वर की गद्दी मिलेगा छुट्टी बनाए रखो कथा प्रवचन करो नाम कमाओ तो कोई ना कोई मंडेश्वर बोले हमारे यहाँ आ जाओ हमारे गति संभालो इसलिए छुट्टी रखे घूमते कहीं तो करना अरे भाई अब इसके लिए वेदांत की जरूरत क्या अब वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है प्रचार प्रसार करने के लिए उसे तो भागवत पढ़ लो कुछ और कथा कहानियां पढ़ लो बहुत सारे ग्रंथ हैं उसके लिए क्या जरूरत है वेदांत श्रवण करने भ्रांति बहुत जबर बहुत सभी के अंदर वे धर्म प्रचार के लिए पढ़ रहा अरे धर्म प्रचार के लिए वेदांत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बनारस में तो धर्म क्यों प्रचार करना वो तो सनातन की है उसका आप क्यों पहचान
नहीं, निमित्त मात्र बनो वो भी ठीक है, धर्म जो अपने व्यावहारिक सत्ता में जो धर्म है उसकी तो निमित्त बनना पड़ता है किसी न किसी को, तो निमित्त जो बनना है बनेगा। निमित्त बनने के लिए वेदांत की जरूरत नहीं है, वेदांत का प्रचार करके धर्म की प्रचार नहीं होती, बल्कि वेदांत का प्रचार कर धर्म का ह्रास हुआ है। जिस गृहस्थ को वेदांत का ज्ञान देना नहीं है वहां वेदांत दे दिया गया और उसने जो धर्म कर्म छोड़ना ही बंद कर दिया, मतलब बात करो उसे ब्रह्म ज्ञान झाड़ते हैं आजकल, महात्मा को ब्रह्म ज्ञान सुना देते गृहस्थी उल्टा। योग की भोग की पाठशाला की कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है? जिसने पाठशाला खोली तो पढ़ना शुरू किया उसके उसका ज्ञान ध्वंस होता ही नहीं, ध्वंस हो गए, हो गए, नष्ट हो गए। तो यद अवगतम सत स्ववृत्तितया इष्यते तत्प्रयोजनम, से जो अवगत होने के पश्चात वो मेरा होवे ऐसी इच्छा से जिसे ग्रहण किया जाता है उसका नाम प्रयोजन है। अब यद का मतलब येन रूपेण ग्रहण करना, यद माने येन रूपेण स्ववृत्तितया अवगतम तथैव इष्यते, माने तेन रूपेणैव इच्छति, यम इच्छति तत् प्रयोजन, वो प्रयोजन। नीचे यत माने सुखादिकम, सुख और दुखाभाव, सुख और दुखाभाव यही दो को चाहते हैं आराध में स्ववृत्तितया, कि केन रूपेण चाहते हैं सुखत्वेन और दुखाभावत्वेन, सुख को और दुखाभाव को स्ववृत्तितया अवगत कर लिया है लोगों ने। मम इदम सुखम, मम इदम सुखम, या अनेन सुखम जायते, अनेन दुखा भावो जायते, ऐसा जान लिया उसने। इदम यदा मम स्यात् तदा अहम सुखी भवाम, ऐसा निर्णय कर लिया। तब उसको कैसे जानेगा? तथाइव इष्यते अर्थात सुखादिकम मे भूयादिति, सुखादिकम मे भूयाद इति सुखत्वादि रूपेण स्ववृत्तया इच्छा विषयी क्रियते तेनैव रूपेण तत् प्रयोजनं भवति, सुखत्वावच्छिन्न सुख का नाम प्रयोजने, दुःखाभावत्वावच्छिन्न दुःखाभाव का नाम प्रयोजने, और उन प्रयोजनों का साधनों को भी प्रयोजन कह देते हैं। इसलिए प्रयोजन दो प्रकार का है, तच्च द्विविधम मुख्यम गौणं च इति।